दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग और सचिव सर की स्कूल आवंटन पर क्या है मनसा? क्या बेसिक शिक्षा विभाग जानबूझकर स्कूल आवंटन के प्रोसेस में डिले कर रहा है, या बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं करना चाहता है उसको क्लियर करेंगे, और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर एससीईआरटी से ट्रांसफर की प्रक्रिया को प्रायोरिटी क्यों दी गई इसको भी जानेंगे। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी और 33,000 पीआरटी शिक्षक भर्ती की स्वीकृति और आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी को भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है वो एससीईआरटी के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही दी जाती है। वहां से जब कोई जानकारी निकलकर सामने आती है तभी आप सभी तक उस जानकारी को पहुंचाया जाता है। चाहे जानकारी आपको 12460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ठाकुर सलील भाई की तरफ से शेयर की जा रही हो, चाहे स्कूल आवंटन के सर्कुलर को लेकर के प्रयास कर रहे अर्जुन कनौजिया भाई की तरफ से शेयर की जा रही हो, या रवि एंड विवेक की टीम के तरफ से विवेक भाई या देव भाई की तरफ से जानकारी शेयर की जा रही हो, सभी को जानकारी जब अधिकारियों के माध्यम से मिलती है वही जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और यही दोस्तों हम लोगों के साथ कल भी हुआ। 12460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के सर्कुलर को लेकर के सचिव सर की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि 18 तारीख में आप सभी के स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा, और दोपहर तक इंतजार किया गया। उसके बाद जब अर्जुन कनौजिया भाई की तरफ से एससीईआरटी पर मुलाकात की गई तो वहां पर एक बार फिर से पहली मुलाकात में उनको आश्वस्त किया गया कि देर शाम तक आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देर शाम आप सभी ने देखा कि फाइनली विभाग की तरफ से ये जानकारी निकलकर सामने आ गई कि आज स्कूल आवंटन का आदेश जारी नहीं होगा। तो दोस्तों इसके पीछे के कारणों को जानेंगे, स्कूल आवंटन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही ट्रांसफर प्रक्रिया के ऊपर इसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल आवंटन का जो सर्कुलर जारी होना है उसमें डिले होने का प्रमुख कारण जो है वो है ट्रांसफर प्रक्रिया। तो ट्रांसफर प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुई जो स्कूल आवंटन का प्रोसेस डिले किया गया, हालांकि स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, इसके बावजूद भी इस प्रक्रिया को डिले किया गया और स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रायोरिटी दी गई। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कल बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की कई महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन अपने जो एससीईआरटी के तीनों अधिकारी थे, एक तो डीजी मैम, दूसरे निदेशक सर, तीसरे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, इन तीनों की एक राय थी, और इन तीनों की राय ये थी कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पोस्टपोन करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया का सर्कुलर जारी करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को संपादित कर लिया जाए जो है ट्रांसफर प्रक्रिया से पहले। लेकिन मामला पलटा कहां पर दोस्तों, जैसे ही इन अधिकारियों की मीटिंग प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर एम के शनमुगा सुंदरम सर के साथ लग गई, मामला वहां से पलटा। अब आप सभी को बता दें पलटा क्यों और एससीईआरटी से ट्रांसफर प्रक्रिया को प्रायोरिटी क्यों दी गई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी 8 से 6 साल से लंबित है, और स्थानांतरण प्रक्रिया जो ये चल रही है इसको जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश है कि 30 जून से पहले हर हाल में स्थानांतरण की प्रक्रिया सभी विभागों में कंप्लीट कर ली जाए, और जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन मोड में है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश था प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग डॉक्टर एम के शनमुगा सुंदरम जी को, और उनसे मीटिंग होने के बाद जो है अपने डीजी मैम, सचिव सर और निदेशक सर का प्लान बदलना पड़ा, क्योंकि जब आपका प्रमुख सचिव कह रहा है और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं तो उस निर्देशों के अनुपालन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन मोड में है, और 30 जून तक ये प्रक्रिया सभी विभागों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कंप्लीट करनी है,
और इस पर सख्त निर्देश प्राप्त हुए एससीईआरटी के तीनों शीर्षस्थ अधिकारियों को। और इसलिए आप सभी को बता दें, जो इनका प्लान था कि स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी करेंगे और प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे, स्थानांतरण प्रक्रिया बाद में कर लेंगे, उसको बदलते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रायोरिटी देनी पड़ी और स्कूल आवंटन का सर्कुलर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, यानी आगे बढ़ा दिया गया, तो इसे मान सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये कारण रहा कि एससीईआरटी की तरफ से ट्रांसफर प्रक्रिया को प्रायोरिटी दी गई और स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी करने में डिले किया गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के चीजें जो हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, लेकिन विभाग के ऊपर भी कुछ प्रेशर होते हैं, उनको भी टैकल करना होता है विभागीय अधिकारियों को, और उसी क्रम में अपना जो है स्कूल आवंटन का सर्कुलर फंस गया और अब वो डिले हो चुका है, यानी कल नहीं आया तो हमारे लिए डिले ही हो चुका है। और अब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जब इसको लेकर के फाइनल डेट जारी की जाएगी तब आप सभी को उसके बारे में सूचित करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब बात कर लेते हैं कि स्कूल आवंटन का सर्कुलर अब कब आएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें, स्थानांतरण प्रक्रिया में आज जो है प्रक्रिया जो है अध्यापकों को रिलीज करने की है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का मामला तबादले के लिए आज से कार्यमुक्त होंगे शिक्षक, और ये सभी जिलों में प्रोसेस अपनाया जा रहा है। जिन जिलों में प्रोसेस को स्थगित किया गया है, गाजीपुर जैसे जिलों में, तो ये ऐसी प्रक्रिया केवल एक से दो जिलों में है और इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आज सभी जिलों में तबादले के लिए शिक्षक कार्यमुक्त हो जाएंगे और ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, इसके बाद अपने स्कूल आवंटन के सर्कुलर का नंबर आ जाएगा। और वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और सचिव सर की मंशा क्या है, क्या स्कूल आवंटन का आदेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या जानबूझकर उनकी तरफ से डिले किया जा रहा है। दोस्तों एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित 5,856 अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अगर पूरी ना करना चाहता होता तो शिक्षा निदेशक सर की तरफ से सचिव सर को कार्रवाई का आदेश नहीं जारी किया जाता 11 जून को, और सचिव सर की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश नहीं जारी किए जाते चयनितों की फाइनल और प्रमाणित सूची जो है सचिव सर को उपलब्ध कराने के लिए। तो कुल मिलाकर के सचिव सर और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की मंशा बिल्कुल क्लियर है, आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वो पूरी करना चाहते हैं और इसी ग्रीष्म अवकाश में ही पूरी करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के विभाग की मंशा आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है, लेकिन सरकार के प्रायोरिटी की वजह से आप सभी की प्रक्रिया को डिले किया गया है। और अब आप सभी को बता दें, आज बुधवार है और बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार इन 3 दिनों के अंदर आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और सोशल मीडिया पर जो खबरें आज की डेट को लेकर के वायरल हो रही हैं, तो दोस्तों उनकी अभी हम जो है पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से हमारे जो सोर्सेस हैं जानकारी के, उनके माध्यम से उस खबर को पुष्ट नहीं किया गया है। वहीं एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बहुत तेजी से कि 48 से 72 घंटे के अंदर स्कूल आवंटन का सर्कुलर आ जाएगा, और निदेशालय से ऐसी जानकारी आ रही है, और 22, 25 और 28 जून तक सारी प्रक्रिया जो स्कूल आवंटन की कंप्लीट करते हुए विद्यालयों में 28 जून तक चयनित अभ्यर्थियों को अलॉटेड विद्यालयों में जो है ज्वाइनिंग भी करा ली जाएगी। तो दोस्तों ये खबर भी अभी शेयर की जा रही सोशल मीडिया पर, लेकिन एससीईआरटी से और ना ही सचिव सर के कार्यालय से इसकी भी पुष्टि हुई है। अगर इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ साथी हमारे गए हुए हैं, उनके तरफ से जैसे इसकी पुष्टि होती है या एससीईआरटी के अधिकारियों के माध्यम से जो हमारे टच में है उनसे संपर्क होता है, बात होती है, और अगर खबर की पुष्टि होती है तो आपको अप्रूव करेंगे, अन्यथा अभी ये चीज़ें केवल सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की जा रही हैं और ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की तैयारी पूरी है, केवल और केवल सरकार की प्रायोरिटी की वजह से आप सभी के स्कूल आवंटन के आदेश में डिले हुआ है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। हालांकि आप सभी को बता दें, अगर इन 3 दिनों में, यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों के अंदर स्कूल आवंटन का सर्कुलर नहीं जारी होता है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों अभी एससीईआरटी से कंफर्म खबर नहीं है कि इस डेट में जारी होने जा रहा है, अगर कंफर्म अपडेट आ जाएगी तो भी शेयर करेंगे। अगर इन 3 दिनों में आपका सर्कुलर नहीं जारी होता है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है, तो दोस्तों हम सभी लोगों को आगे का प्लान सोचना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्हीं 3 दिनों के अंदर आपके स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी हो सकता है, और अगर आज सारी प्रोसेस जो है ट्रांसफर से संबंधित कंप्लीट कर लेता है बेसिक शिक्षा विभाग,
तो आज देर शाम तक भी एक अच्छी खबर और सकारात्मक खबर देखने को मिल सकती है, लेकिन आज की दोस्तों संभावनाएं बहुत कम है, केवल 10% आप मानकर चलिए कि आज सर्कुलर को लेकर के कोई बड़ा आदेश देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही SCERT से या सचिव सर के कार्यालय प्रयागराज से ऑफिशियल आदेश निकलकर या ऑफिशियल अपडेट या जानकारी निकलकर सामने आएगी, आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी बहुत परेशान हैं दोस्तों, हम भी परेशान हैं, क्योंकि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो, रिक्त पदों को भरने के लिए भी प्रोसेस अभी बेसिक शिक्षा विभाग को करना है, उसके लिए भी अभ्यर्थी बहुत परेशान है और प्रयासरत भी हैं। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो सबसे पहले दोस्तों नजर डालते हैं TGT PGT अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की। तो माध्यमिक शिक्षा के TGT PGT 2016 और 21 के प्रशिक्षु व प्रवक्ता मंगलवार को CM के जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए, साथ ही ज्ञापन देते हुए काउंसलिंग करा करके नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत 150 सीटों और खाली 350 पदों पर काउंसलिंग कराने का आग्रह किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इन पदों को निदेशालय समायोजन व स्थानांतरण से भरने की फिराक में है। इससे पहले 11 जून को भी TGT PGT के चयनित छात्र CM के जनता दरबार में आए थे। अधिकारियों ने उनका प्रत्यावेदन लेकर विभाग को भेजा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में TGT PGT के छात्रों ने प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में भी प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और काउंसलिंग टलती जा रही है। तो कुल मिलाकर के TGT PGT में अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है अपनी बातों और समस्याओं को रखा गया है। अब देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं विभाग को, और क्या इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी सबकी नियुक्ति को लेकर के आगे विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, या एक बार फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों PRT में 33,000 शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर के पद स्वीकृति के मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो ये खबर दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक, बस्तर कोडागांव में स्थिति ज्यादा खराब, शहरों में अतिरिक्त शिक्षक सरप्लस शिक्षक हैं। रायपुर बिलासपुर से में भी है एकल शिक्षकों वाले दर्जन स्कूल, यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक व स्कूलों की संख्या। जिला बस्तर है, वहाँ पे एक शिक्षक वाले 428 विद्यालय हैं और एक भी नहीं में 54। कोडागांव में 417 एक शिक्षक वाले हैं और एक भी नहीं में 54। सुकमा में 306 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर इस शिक्षकों की संख्या एक है और 34 में एक भी शिक्षक नहीं है। कोरबा में 341 में एकल शिक्षक है, 27 में एक भी नहीं। बलरामपुर में 298 में एकल शिक्षक है, 32 में एक भी शिक्षक नहीं। कांकेर में 268 विद्यालय एकल शिक्षक हैं, 19 में कोई भी नहीं। रायगढ़ में 266 एकल शिक्षक विद्यालय हैं और 4 में कोई नहीं है। महासमुंद में जो है 231 एकल शिक्षक विद्यालय हैं, 12 में कोई भी नहीं। गरियाबंद में 204 एकल शिक्षक विद्यालय हैं और 13 में कोई नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही स्थिति जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संपूर्ण देश में विपरीत चल रही है, और नए पदों पर भर्तियां निकालने को लेकर के भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई स्थिति यह है कि यहाँ के 5,000 से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक पदस्थ है। केवल ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर में 27 और बिलासपुर में भी 109 स्कूल एक एक शिक्षक के भरोसे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 610 स्कूलों में शिक्षक हैं ही नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों का कहना है कि सभी संभाग के संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी विसंगतियों की रिपोर्ट लेकर जरूरी कार्रवाई करें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 26 जून से स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो 33,000 पदों पर भर्ती के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। प्रदेश के स्कूलों में व्याख्याता के 2524 शिक्षकों के और 8194 सहायक शिक्षकों के 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार भर्ती के लिए शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर 33,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्तियों को मिलाकर के विज्ञापन जारी किया जा सकता है इसी साल में। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की कार्रवाई और विज्ञापन सभी राज्यों में निकाले जाने की जरूरत है जिससे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जा सके जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके प्राथमिक विद्यालयों में। एक और बड़ी खबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी।
खबर है पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट ड्राइवरों के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा किया जाए। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा और मानवीय चूक से होने वाले हादसों में कमी आएगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना रेलवे भर्ती बोर्ड विद्याधर शर्मा ने उपरोक्त आदेश मंगलवार को देर शाम जारी किए हैं। इसकी कॉपी हिंदुस्तान के पास है। इस आदेश में उल्लेख है कि 15 दिसंबर 2023 को 5696 सहायक लोको पायलट यानी ALP के पदों पर भर्ती करने की मंजूरी पहले दी जा चुकी है, लेकिन 16 जोनल रेलवे से ALP के अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसकी समीक्षा करने के बाद अब 18,799 ALP की भर्ती करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि इंडियन रेलवे भर्ती प्रबंधन व्यवस्था रेलवे भर्ती बोर्ड बंगलुरु की सहायता से ALP की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करेगा। विदित हो कि रेलवे में लंबे समय से ड्राइवरों के पद रिक्त चल रहे हैं और इस तरीके से मानवीय भूलों से एक बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं वो होती हैं, आए दिन देखने को मिलती हैं। और लोको पायलटों की कमी को पूरा अगर कर दिया जाएगा बेसिक शिक्षा सॉरी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो इस तरीके की मानवीय चूकों से बचा जा सकता है और जन धन की हानि से जो है कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन आदेश से जुड़ी हुई ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों का बहुत जल्द स्कूल आवंटन का आदेश आएगा और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित होते ही आप सभी लोग विद्यालयों में ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।